नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। अफगानिस्तान में गहरा मानवीय संकट और ढहती अर्थव्यवस्था को लेकर इस्लामिक देश आज पाकिस्तान की संसद में जुटे हुए हैं। अफगानिस्तान के हालात को लेकर इसे अब तक की सबसे बड़ी बैठक माना जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC के विदेश मंत्रियों की इस परिषद से मदरसा मुल्क एक तीर से दो शिकार करना चाहता था। वह अफगानिस्तान के मददगार के तौर पर भी उभरना चाहता था, साथ ही कश्मीर मुद्दे का राग अलाप कर धूर्त मुल्ला पुलिस का इस्तेमाल करने की कोशिश में भी लगा था। पर लगता यूं है कि उसके दोनों ही अरमान धूल धूसरित हो गए हैं। पाकिस्तान को पहला झटका खुद OIC के सदस्य देशों ने ही दे दिया। 57 मेंबर्स वाली OIC से सिर्फ 24 मेंबर्स ही पाकिस्तान का गधिया नृत्य देखने पहुंचे हैं, जबकि 33 OIC मेंबर्स ने इसमें हिस्सा लेने में कोई रुचि नहीं दिखाई। पर पाकिस्तान की बेइज्जती यहीं तक नहीं हुई है, बल्कि OIC के सदस्य देशों ने इस बात पर भी पाकिस्तान से सवाल पूछे कि उसने तालिबान को इस समिट में क्यों आमंत्रित किया है। वह भी तब जबकि अफगानिस्तान न तो OIC का सदस्य है और न ही अफगान की तालिबान सरकार को किसी भी देश से मान्यता हासिल है। पाकिस्तान इस सवाल का ढंग से कोई जवाब नहीं दे पाया, जिससे इस मीटिंग में पाकिस्तान की नीतियों पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं और OIC के सदस्य देशों में ही फूट पड़ गई है। हालांकि सऊदी अरब के प्रस्ताव के बाद पाकिस्तान ने इस सम्मेलन की मेजबानी का प्रस्ताव दिया था, इसलिए सऊदी भी सवालों के घेरे में आ गया है। संयुक्त अरब अमीरात ने तो पाकिस्तान की नियत पर उसे खरी खोटी तक सुनाई है। इसका साफ मतलब यह है कि यह सम्मेलन सिर्फ फुटबॉल की भेंट चढ़ गया है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के कार्यकारी विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तक इस सम्मेलन में भाग लेने पाकिस्तान आए हैं, लेकिन उनकी बेइज्जती का आलम यह है कि सिवाय पाकिस्तान के किसी विदेश मंत्री ने उनसे बात करना तक गवारा नहीं समझा। शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि भारत में भी मध्य एशिया के मुस्लिम बहुल्य देशों के विदेश मंत्री दिल्ली में बैठक करने जा रहे हैं। यह बैठक पाकिस्तान में हो रहे OIC के सम्मेलन की तिथि के बाद तय की गई थी। माना जा रहा है कि एक प्रकार से यह पाकिस्तान प्रायोजित OIC की बैठक का जवाब है। इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग की एक दिवसीय बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर करने जा रहे हैं। इस बैठक में शामिल होने के लिए कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री दिल्ली आ रहे हैं। इनमें अधिकतर देशों की सीमाएं अफगानिस्तान से लगती है, इसलिए यह बैठक अपने आप में अहम हो जाती है। भारत में मध्य एशियाई देशों की यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज पाकिस्तान में 57 देशों वाले OIC के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है और यह मध्य एशियाई देश OIC के भी सदस्य हैं। इन देशों के विदेश मंत्रियों ने OIC की बैठक में जाने की जगह भारत आने को तरजीह दी है, यानी भारत ने OIC के साथ मदरसा मुल्क को भी अपनी ताकत दिखा दी है। अब पाकिस्तान OIC में फूट डालने के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहा है। पर कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि सऊदी अरब ने पर्दे के पीछे भारत की मदद की है और कौन देश कहां पर जा रहा है उन्होंने इस मुद्दे पर सभी को स्वतंत्र कर दिया है, जबकि पाकिस्तान अपनी बेइज्जती अपने तैमंद के पीछे छुपाने में लगा हुआ है। दरअसल कर्जों और खैरात पर जिंदा जिन्ना का पाकिस्तान इस सम्मेलन के जरिए अपनी हैसियत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश में लगा था। वह यह दिखाना चाह रहा था कि उसे अफगानिस्तान की जनता की कितनी फिक्र है। पर जब उससे पूछा गया कि वह भारतीय ट्रकों को अनाज और दवाई काबुल भेजने से क्यों रोक रहा है तो वह कोई तर्कसंगत जवाब नहीं दे सका। यह सवाल भी खुद सऊदी की तरफ से पूछा गया है, इसलिए पाकिस्तान का तिल मिलाना तो बनता था। सिर्फ सऊदी अरब ने नहीं बल्कि तालिबान की तरफ से भी इस मुद्दे पर उसे सकारात्मक रुख अपनाने को कहा गया है। अमीर खान मुत्तकी ने साफ कहा है कि 2,20,00,000 अफगानी के पास खाने की बहुत कमी है और 10,00,000 के करीब बच्चे कुपोषण का शिकार होने की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान को भारत द्वारा दी जा रही मदद पर अपनी दरियादिली दिखानी चाहिए। पर पाकिस्तान एक धूर्त मुल्ला मुल्क है। एक और जहां वह इस सम्मेलन के मसले पर खुद को चिंतित पक्ष के तौर पर पेश कर रहा है, वहीं दुनिया भी समझ गई है कि यह सिर्फ एक छलावा है। तालिबान ने विदेशी करेंसी पर रोक लगाकर पाकिस्तान के ऐसे ही नापाक मंसूबों को नाकाम किया है। मदरसा मुल्क यहां डॉलर की तस्करी करके और अपनी मुद्रा का प्रभाव बढ़ाकर अफगान करेंसी को काफी कमजोर कर चुका है। सिर्फ 4 महीनों के भीतर ही यह US डॉलर के मुकाबले 80 से 123 पर पहुंच गई है। तालिबान इसे पाकिस्तान की साजिश के तौर पर देख रहा है। पाकिस्तान का छलावा यही था कि वह इस सम्मेलन को बड़ा सौदा मानकर चला था, जो अब पूरी तरह सफल हो गया है। वह एक मेजबान होने के नाते इसके केंद्र में आने की कोशिश में लगा था।
और अफगानिस्तान की मदद का श्रेय खुद लेना चाहता था, मगर यहां उल्टे पाकिस्तान पर थूथूसूसू शुरू हो गई है। उसकी नियत पर ही प्रश्नचिन्ह खड़े हो गए हैं। उसके मुख्य खिलाड़ी बनने की सारी योजना को पलीता लग गया है। यूं भी जब नियत में ही खोट होता है तो भीख में मिली अठन्नी भी खोटी निकलती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।